नमस्कार। सवाल देश का वित्त रोहित रोहन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी की तो सरकार बन गई है, बट सरकार बनने के बाद से लगातार मोदी जी किसी ना किसी समस्या से जूझ रहे हैं। जैसे कि जिस दिन शपथ ग्रहण हो रही थी उसी दिन जम्मू कश्मीर में आपको पता है तीर्थ यात्रा कर रहे बस पे अटैक हो गया और कई लोगों को अपना जान गंवाना पड़ा। हार हुई नहीं है बट जीत जो हुई है वो हार के समान है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली नहीं है तो वहां पे मंथन का दौर चल रहा है। अभी नया नया खबर आ रहा है कि यूपी में जो जो एमपी हारे हैं अपने सीट पे उनको कहा गया है कि वो अपना एक बंद लिफाफे में एक ऑब्जर्वेशन अपने पदाधिकारियों को भेजे कि उनके हिसाब से वो अपने रीजन में क्यों हारे हैं। अब इसको लेके भी कंट्रोवर्सी हो रही है कि भाई ये जो बंद लिफाफा होगा वो फटेगा तो क्या बनेगा, या लिपापोती होगा, सिर्फ मंथन के नाम पे सिर्फ लिपापोती होगा। दूसरा चोरी ये है कि मोहन भागवत जी गोरखपुर में हैं पिछले दो दिनों से और योगी जी नहीं मिल रहे हैं। योगी जी मिलना चाह रहे हैं लेकिन मोहन भागवत जी नहीं मिल रहे हैं। अब ये एक नया कहानी है कि भाई योगी मोहन भागवत भी नहीं चाह रहे हैं कि वो किसी एक पक्ष की तरफ दिखे। सेंटर और स्टेट के बीच में दो गुट बन गया है, एक गुट योगी जी का है और दूसरा गुट अमित शाह का है। अब एकदम क्लियर हो गया है कि अमित शाह जो है वो योगी जी को देखना नहीं चाह रहे हैं। तो बहुत सारे समस्याएं हैं, साथ में मोदी जी की जब से सरकार बनी है तब से एक डर का वातावरण विपक्ष ने बना रखा है कि कभी भी नीतीश कुमार और जेडीएस जो है वो पलट सकता है। तो आइए इस पे विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अविरल जी हैं बीजेपी से, उनसे ही शुरू करते हैं। बीजेपी से अविरल जी हैं। अविरल जी, बीजेपी में क्या हो रहा है, लिफाफा पॉलिटिक्स क्या है ये? नहीं देखे, किसी प्रकार की कोई समस्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है, और उसके साथ साथ यदि समस्या कुछ है तो केवल और केवल वो इंडियन गठबंधन के अंदर है, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार जीत मिली है। नरेंद्र मोदी के नाम पर तीसरी बार जनता ने मोहर लगाई है। उसके साथ साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है वो सबको दिख रहा है। और जहां तक बात है आप विशेष रूप से दिखाना चाहें उत्तर प्रदेश की, तो उस विषय पर हम आकलन कर रहे हैं, आत्मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और जहां तक बात है राष्ट्रीय स्तर की, तो जिस तरीके से हमें जीत मिली है दिल्ली के अंदर, उसके साथ साथ हमने क्लीन स्वीप किया है उत्तराखंड के अंदर, गुजरात के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, तो ये देखने वाली बात है। और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की आप बात कर लीजिए, तो इस विषय पर भी इंडिया गठबंधन को आत्मचिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है तो ट्रिपल डिजिट पर नहीं पहुंच सके, और भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और केंद्र में हमारी मजबूत सरकार है, और पांच साल तक ये निरंतर जनहित का कार्य करेगी, जनता की सेवा करेगी, गरीब का करेगी, मजदूरों की सेवा करेगी। ठीक है, लेकिन वो बंद लिफाफा में आएगा क्या, उस पर कोई एक्शन होगा या सिर्फ लिपापोती होगा? देखिए, इस विषय में जहां तक बात है हार का आकलन निश्चित रूप से पार्टी कर रही है, उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, कुछ सीटों की जहां तक बात है। लेकिन यदि आप कहना चाहें कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से हार गई जिस तरीके से कुछ लोग दिखाना चाह रहे हैं, तो वो गलत है। केंद्र में हमारी मजबूत सरकार है, 303 का आंकड़ा हमारे पास मौजूद है, जबकि 272 की केवल आवश्यकता होती है। ठीक है, नहीं सरकार मजबूत है आपकी माना जा रहा है, माना यह जा रहा है कि जो हार है वो अब बीजेपी में खुल के आने लगी है, क्योंकि अभी तक जितने भी बीजेपी में कमियां थी वो जीत के आड़ में छुप जा रही थी। कौन सी हार है तो करके आप ये मुझे स्पष्ट कर दीजिए। हाँ, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल रहा था, 275 के आंकड़े को आप पार कर जा रहे थे, तो जो भी कमियां रह रही थी फील्ड में वो सारी दब जा रही थी। अगली बार तो 500 पार हो जाएगा, अगली बार तो 500 पार हो जाएगा। नीतीश कुमार जी ने खुद ही किसी का सुना होगा, उन्होंने स्पष्ट कहा नीतीश जी ने, अगली बार जहां से थोड़े बहुत जीत कर आए बंधन वाले वो नहीं आएंगे। नहीं, आप मेरे सवाल को घुमा रहे गोल गोल, आप 5 साल बाद की बात मत कीजिए, अभी की बात कीजिए। मोहन भागवत जी से नीतीश कुमार के नहीं, तो अभी निश्चित रूप से हम आकलन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं इस विषय पर, और अब चुनाव तो 5 साल बाद ही होंगे, 5 साल तो मोहन भागवत जी योगी जी से क्यों नहीं मिल रहे? केवल और केवल अफवाह है, मीडिया के लोग अफवाह चला रहे हैं, वो चलाते रहे, मसाला इकट्ठा कर रहे हैं। आप मीडिया वालों को मसाला ठीक ले रखा है क्या?
हमारे हमारे मीडिया के मित्र आगे बढ़ जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है? अच्छी बात है, हमारे मीडिया के मित्र आगे बढ़ने चाहिए, हम तो चाहते हैं मीडिया के मित्र आगे, हमारी वजह से। पहले सवाल तो सुन लीजिए, अगर मीडिया वाले को मसाला मिल रहा है तो आप छीन लीजिए ना मसाला, आप मिलवा दीजिए योगी जी को और आरएसएस के अध्यक्ष को, मसाला खत्म हो जाएगा। मोहन भागवत जी को मिला दीजिए ना, मसाला क्यों दे रहे हैं आप? मसाला जितना ये ले सकता है और लीजिए अपने आप, मसाला आप बना रहे हैं तो बनाइए, उसमें क्या समस्या है? ठीक है चलिए फिर आते हैं आपके पास। अमन जी, दो सेंटर बना हुआ है यूपी में, योगी जी का और सेंटर में अमित शाह का। अमित शाह जी एक फूटी कौड़ी देखना नहीं चाह रहे हैं, एकदम क्लियर हो गया है और मतलब लगभग सबको पता चल गया है कि योगी और अमित शाह के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है रोहित जी, संगठन है, एक परिवार है, परिवार के अंदर मतभेद हो सकता है, हमारी विचारधारा में कुछ टूट हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं हो सकता। हम सब लोग एक परिवार है, एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं और परिवार की तरह काम करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा है और जब बड़ा परिवार होता है तो शायद कुछ मतभेद हो सकते हैं, शायद उत्तर प्रदेश में सीटें हमारी कम हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो उनकी वजह से अमित शाह जी को लग रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और बिल्कुल होंगे, उनका कहीं से कहीं तक भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये अफवाह षड्यंत्र रचा जा रहा है अपोजिशन के द्वारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी अपना काम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और रही सेंट्रल की बात या मोहन भागवत जी की बात, तो मोहन भागवत जी भी अगर एक आएंगे तो योगी जी मिल लेंगे, बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री जी मिल लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये खाली अफवाहों का दौर चल रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेंगे। ठीक है ठीक है। कमालुद्दीन जी बीजेपी का कहना है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है, कांग्रेस अफवाह उड़ा रही है। देखिए यहाँ पे खुली किताब है, किसी से छुपा नहीं है, पूरा देश जो है बात को जान रहा है कि आरएसएस और जो है बीजेपी के दरमियान जो खटास है ये किसी से छुपा नहीं है, और उन दोनों में जो क्या चल रहा है, क्या चिंतन मंथन चल रहा है ये उनका विषय है। तो वो जो है बीजेपी जो है सोचे, बीजेपी चिंतन मंथन करे, लेकिन सवाल यहाँ पे एक जरूर खड़ा होता है कि जो बीजेपी और जो नरेंद्र मोदी इतने अहंकार में डूब गए थे और हकीकत में अहंकारी हो गए थे कि जब 2014 का चुनाव जो है वो जीतते हैं, अच्छे जो है मतलब सीट आती है जब जो है फिर बहुमत के साथ, उसके बाद से 2019 का जो है लोकसभा चुनाव जीतते हैं, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी का ढिंढोरा पीटा जाता है। लेकिन आखिर आज क्यों जो है फिर वही जो है मतलब उत्तर प्रदेश से चिंतन और मंथन की बात खुद स्वीकार कर रही है, जो मतलब भाजपा और भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के नेता तो स्वीकार करे तो चिंतन मंथन कर रहे हैं, ये अहंकार ही किसको टूटा है? और अगर से जो है कोई व्यक्ति जो इस तरह का जो है मतलब बता रहे हैं तो हकीकत में अहंकार टूटा, अहंकार की हार हुई है, लोकतंत्र जीता, भले ही सत्ता में आ गए हम विपक्ष में तमाम करते हैं, लेकिन आज हम फिर से वही बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो मोहन भागवत जी मेंशन करना चाह रहे कि ये जो अहंकारी बन गए थे, युवा की नहीं सुन रहे थे, किसान की नहीं सुन रहे थे, जो महिलाओं की नहीं सुन रहे थे, और अहंकार में इतने डूब गए थे कि सिर्फ मोदी जी अपने मन की बात क्या करते थे, एक अकेला मोदी सबके बाहर आ गए, इंडिया का लेकर मजबूर है। तो ये एक अहंकार की हार हुई है, सत्ता में भले ही आप आ गए लेकिन अब वो उनका द्वारा चिंतन मंथन करे वो उससे जाए। कमालुद्दीन जी एक छोटा सा सवाल है कि चलो बीजेपी तो आत्ममंथन कर रही है अपने जीत के बाद भी, सरकार बनाने के बाद भी, कांग्रेस क्यों नहीं कर रही आत्ममंथन? अभी तो आप बहुत पीछे रह गए इस बार। देखिए हम लोग जो लड़ाई लड़े जो है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो हमारा मैनिफेस्टो शुरू से रहा, और हम लोग हर मंच से कांग्रेस पार्टी जो है लगातार कहती रही कि ये चुनाव लोकतंत्र बचाने के लिए है, ये चुनाव जो है संविधान बचाने के लिए, और उसका कारण था कि भाजपा के कई नेता ने साफ संविधान सुन ले मैं बोल रहा हूँ भाजपा के कई नेता ने कि लोकतंत्र और संविधान भाग कर रहे हैं जो आप इनको पकड़ रहे हैं और बचा रहे हैं। अरे भाजपा ने तो संविधान को तार तार करने का काम किया, भाजपा ने संविधान का उल्लंघन करने का काम किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है मैं सब प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब ले। कांग्रेस पार्टी जो है लड़ाई लड़ी, जनता के मुद्दे पर जो है लड़ाई लड़ी, और जनता के मुद्दे को लेकर रोहित जी अगर इनको दिक्कत है तो नहीं बुख रहा है तो यही बोल ले, आप बोलते नहीं कंटिन्यू बोलेगा तो इसमें क्या हुआ है मतलब जो है भाजपा ने यही तो मेरे साथ
नहीं है। अब सुने शांतों कर पिछले चैनल में बीच में कूद पड़ रहे थे, इस चैनल में भी कूद कूद कर बीच में आ रहे हो। चलिए बोलिए, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, कवल दीजिए। चलिए मन बढ़ गया गया। मेरा ये कहना है कि देखिए जब बात हो तो सुननी चाहिए। और अग्रवाल जी ने जो भाजपा के प्रवक्ता है, मैंने उनकी बात जो सुनी, एक बार भी जो बीच में नहीं बोला, ये झूठ बोल रहा है आपके चैनल पे बैठकर। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी के बारे में आपने क्वेश्चन किया, बिल्कुल जाहिर क्वेश्चन है कि आखिर कांग्रेस क्यों नहीं इस पर जो चिंतन मंथन कर। ऐसा नहीं है, हम लोग भी जो हम हारे आज फिर से विपक्ष में है। कांग्रेस पार्टी और उसके आलाकमान और सभी जो है उसके चिंतन मंथन कर रहे हैं, हमारी रिपोर्ट तैयार हो रही है और सबसे जो है पूछा जा रहा है, हम लोग उस पर लगे हुए हैं। लेकिन खलबली भाजपा में सत्ता में आकर भी जो इतनी है, तो यही जो है मतलब जो इशारा करता है ये सरकार अब कितने दिन चलेगी, कैसे चलेगी। जी जो आप जो है मतलब टीडीपी को जो कोस रहे थे और जिस तरह का जो बयानबाजी नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, आज उसी के बलबूते पे आपने सरकार को टिकाई है। तो यहाँ पे सीधी बात है कि हम लोग तो जो तैयारी करनी है वो कर रहे हैं और यहाँ पे अंतर क्या हुई तो यही है। ठीक है ठीक है ठीक है। डॉक्टर अविरल जी एक बात मुझे बताइए, क्या बीजेपी और आरएसएस में सब कुछ ठीक है? ईमानदारी से बताइए। बिल्कुल एकदम 100% सब बढ़िया चल रहा है, एकदम किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मैं खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, परम पूज्य मोहन भागवत जी से हम मार्गदर्शन नियमित रूप से प्राप्त करते हैं, इस बात को समझना बेहद आवश्यक है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक में है वो सबको मालूम है, इस देश की एकता में। अविरल जी जैसे आपने कहा कि आप भी आरएसएस को फॉलो करते हैं या आरएसएस के पार्ट हैं और मोहन भागवत जी को फॉलो करते हैं, तो आप भी मानते होंगे कि बीजेपी में अहंकार आ गई है। और किसको अहंकार आ गई है? अमित शाह को और मोदी को? कोई अहंकार किसी प्रकार का कहीं नहीं आ रहा है। ये सब तोड़ मरोड़ कर बातें पेश की भी आदत पे नहीं चलेंगे, उनको भी नहीं मानेंगे, हद हो गया। आप जिसे गुरु मान रहे हैं गुरु को अरे उनके गुरु का बात को अगर से करे आप भाई, आप अपने गुरु के बात को मैं तो नहीं एक दूसरे पे नहीं करे। लेकिन लेकिन अविरल जी इस बात को तो मानिएगा कि कमालुद्दीन जी का पॉइंट सही है कि अगर आप गुरु मानते हैं। कमालुद्दीन जी का पॉइंट सही है, बताते बताते मुझे 15 मिनट लग जाएंगे, उसके बाद मैं अभी सही करता हूँ। आपके गुरु खुद कह रहा है, फिर कह रहा है कि हम नहीं मानेंगे, आप अपने गुरु की बात नहीं मानेंगे, सबकी बात मानेंगे। पास में गेरो मार डालिए, जल्दी 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 अविरल जी सिर्फ आपकी आवाज जल्दी जल्दी से जी। देखिए जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात की जा रही है, इन्हें संघ को समझना पड़ेगा, संघ को ये समझे, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को ये समझे। हमारा उद्देश्य है इस देश को मजबूत करना, इस देश का विकास करना। और जहां तक बात है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भारतीय जनता पार्टी में गड़बड़ चल रही है, इन्हें कैसे पता कि संघ और भाजपा में गड़बड़ चल रही है? ये केवल इसी प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, ये बेबुनियाद बात कर रहे हैं, तथ्यों से परे बात कर रहे हैं। और जहां तक मोहन भागवत, नहीं एक मिनट मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं मोहन भागवत जी की, आज इन्हें बहुत याद आ रही है, तो इन्हें ये बताना चाहिए इसका अर्थ है कि मोहन भागवत जी का प्रशंसक बन गए, ये तो अच्छी बात है, ये तो शुभ सूचना है। जिस प्रशंसक बन रहा हूँ गुरु मान रहा है, एक तरफ उनके बात का कटाक्ष करो, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आपका दिमाग कहाँ घुमा गया है, ये मती बहुत छोड़ गई आपकी। आप गुरु मान रहे हैं, आदर्श मान रहे हैं, एक तरफ पर हम नहीं मानेंगे इस बात को, हम किधर जो ब्लेम लगा रहे हैं। पिछले दस साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते जुड़ा हुआ हूँ, हम देश के जनता की बात समझ, देश की उन्नति प्रगति की बात करते हैं, हमें किसी से नहीं लेना देना। ठीक है अमन जी, आरएसएस ने तो खुल के बोल दिया ना कि भाई घमंड था और राम जी यही चाहते थे, और हमने प्रोग्राम भी किया था। रामद्रोही किसको कहा इंद्रेश जी ने? रामद्रोही शब्द इस्तेमाल किया, वही मीडिया को आप मसाला दे रहे हैं, ये बाद में करेक्ट किया है जब मीडिया ने पॉइंट को उठा लिया था। ठीक है अमन जी, ऐसा कुछ भी नहीं है रोहित जी, मीडिया का काम है मसाला इकट्ठा करना और उसे पब्लिश करना कि जनता उस पर लुत्फ ले सके और आपका चैनल अच्छे सब्सक्राइब ले सके और लोग अच्छे से इंटरेस्ट लेके चैनल को देखें। याद है जब हम लोग इलेक्शन के पहले जब प्रोग्राम करते थे तो यही कांग्रेस हम मीडिया वालों पे इल्जाम लगाती थी, यही कांग्रेस लगाती थी कि नहीं लगाती थी? आज आप लगा नहीं, नहीं।
रोहित जी ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा और आरएसएस एक परिवार है, एक परिवार के अंग है। आरएसएस जो है एक तरह से हम लोगों के अभिभावक है। आरएसएस को हम लोग फॉलो करते हैं और जो लोग भारतीय जनता पार्टी में उच्च पदाधिकारी हैं या उच्च पदों पर नियुक्त हैं वो सभी आरएसएस से निकल गए हैं। सभी लोगों ने ध्वज प्रणाम किया है। आज भी गाजियाबाद के अंदर कार्यक्रम था आरएसएस का, सभी लोग उस कार्यक्रम में थे। तो एक छोटी सी बात बताइए, आप बीमार पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं कभी है? आप कभी बीमार पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं? बिल्कुल पड़ते हैं। तो डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो बीजेपी का डॉक्टर कौन है? तो बीजेपी का डॉक्टर तो आप देखिए, ये तो आपकी अलग बात है, अलग बात है। मनुष्य का शरीर अलग है रोहित जी, आप अमन जी को फंसाना चाह रहे हैं अपने सवाल में। मनुष्य का शरीर अलग है और संस्था की बात, पॉलिटिकल पार्टी की बात अलग है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने कहीं लिखा नहीं है। इलेक्शन कमीशन को अगर मालूम होता इस प्रकार से कोई पार्टी बीमार पड़ जाती है तो इलेक्शन कमीशन डॉक्टर सजेस्ट कर देता। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने कोई डॉक्टर सजेस्ट नहीं किया। हम मान लेते हैं अभिनय जी परिपक्व प्रवक्ता हो गए हैं। अमन जी मान लेते हैं कि बीजेपी का डॉक्टर आरएसएस है, तो डॉक्टर का दवा भी आप नहीं मानेंगे? डॉक्टर ने तो साफ बोल दिया कि भाई राम जी का आशीर्वाद मिल गया, राम जी यही चाहते थे और अति घमंड का यही नतीजा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, किसी भी तरह का नहीं है। हम लोग तो एक निष्पक्ष हैं और गरीब जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गरीबों के लिए कार्य कर रही है। आपने अभी भी देखा कि पहली मीटिंग में यही हुआ है, जितने भी परिवार हैं, जितने भी। ठीक है, हम अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं। अभी आपने देखा होगा नीट के परीक्षा का जो रिजल्ट आया है उसका बवाल मचा हुआ है। कई बिल्कुल ऐसे हैं जिनको 720 में 720 पूरे मार्क्स मिल गए हैं और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 718 719 ऐसे मार्क्स मिले हुए हैं। ये कब तक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा? और अब तो आपको मानना पड़ेगा ना, अब तो कोई कांग्रेस की सरकार है नहीं, पिछले 10 साल से आपकी सरकार थी। तो अगर नीट के परीक्षा का अगर कॉपी में ये धांधली हो रही है, क्वेश्चन लीक हो रहे हैं, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर बीजेपी देखिए, अगर रोहित जी अगर धांधली हुई है तो उसकी सजा अवश्य मिलेगी, लेकिन हुई है तो किसको? जो बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं किसी सेंटर पे, अगर किसी सेंटर पे एग्जाम जो है लेट हुआ, बहादुर सेंटर था बहादुरगढ़ का, वहाँ सेंटर पे पेपर लेट शुरू हुआ, तो वहाँ उन्हें कैसे पास किए गए? ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर बताना चाहता हूँ कि हम भी इसके पक्ष में नहीं है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचारी जो होंगे, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भ्रष्टाचारी जो होंगे वो जेल की सजा खाएंगे। बिल्कुल जेल आएंगे। किसी भी बच्चे के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, बीजेपी का कहना है कमालुद्दीन जी कि अगर जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, तो फिर कांग्रेस के पेट में क्या दर्द हो रही है? बीजेपी कार्रवाई करवा तो रही है, आप क्या चाहते हो इससे ज्यादा? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के जो है पेट में दर्द नहीं, सभी देश के जो है, सभी जो है गार्जियन और सभी जो है देश के जनता के दिल में जो है ये दर्द है कि 24 लाख बच्चा नीट के जो छात्र छात्राएं जो है नीट के परीक्षा में बैठते हैं कि 1 लाख सीट होता है, कि अच्छे अच्छे जो है मतलब जगह पे जाके जो है हम डॉक्टर पे ये लेंगे, जो है वहां पे एडमिशन होगा, मेरा भविष्य बेहतर होगा। उसके बाद से जो है पेपर जो है लीक हो जाता है, जो पटना और जो है गुजरात से ये मामला जो है मतलब सामने क्लियर होता है, रेटिंग देते हैं पटना ले। उसके बावजूद जो एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो कहता है ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, सिरे से खारिज करती है और सारी जो मतलब जो है बेशर्मी के हद तो वह पार कर दिए। मैं कहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी जिनके सिरे से खारिज कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा जो है मतलब कुछ भी नहीं हुआ। अब आप सोच ले कि 67 बच्चे जो है, 67 बच्चे का 720 नंबर, अब उसमें 4 नंबर का एक जो मतलब जो है ये क्वेश्चन मतलब होता, अब उसमें से एक माइनस होगा तो 718-719 नंबर संभव ही नहीं है। और एक ही सेंटर से आप जाना के 6 बच्चे टॉप कर रहे हैं जिसका जो है मार्क्स जो है 720 में से 720 जो है। और जांच कौन कर रहा है? वही एनटीए। आपको याद होगा कि 2017 में एनटीए का जो है मतलब ये हुआ था, जो है 7 साल में मैं अगर नीट परीक्षा को छोड़ दूं तो कोई भी ऐसा जो है परीक्षा जो है मतलब बता दे जिसमें जो है धांधली या पेपर लीक का मामला या इस तरह का जो है मामला सामने नहीं आया हो। मैं एक मिनट एक दो बात और मैं जोड़ दूं,
कि दरअसल ये सच्चाई है कि पहला प्रकरण चला गया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कि पैसा जो है भंडा ले गया, और दूसरा जो प्रकरण जो है मोदी सरकार और भाजपा एनडीए सरकार के जो है संरक्षण में चल रहा है कि पैसा दो और पेपर लो, और ये सब कुछ सामने है। एनटीए जो है मतलब बुनियाद जो है जवाब जो है दे रही है, सीबीआई जांच की मांग करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को माफी मांगनी चाहिए, 24 जो है लाख जो है बच्चों के भविष्य की बात है, और सोच के देखिए कि वो माता पिता जो कितने जो कर्ज में डूब कर जो बच्चे को पढ़ाएंगे, उसके बाद यही नहीं अब सोच के देखो वो बच्चा पहले तो परीक्षा की तैयारी बार बार करता है और उसके बाद फिर उसे एक परीक्षा में आपके द्वारा आया, ये कौन सा क्या जा कब सुप्रीम कोर्ट जाए, जहां जाए वहां जाए, ये बच्चा को परीक्षा के बाद परीक्षा क्यों देना पड़ रहा है, कब तक युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। आज जो एक छात्र आज नीट की जो है वो कह रहे मुझे नहीं चाहिए, नीट से भरोसा उठ चुका है, क्यों कह रही है कहने पर मजबूर है, वो कह रही है कि बनाओ ऐसे ही डॉक्टर तो किडनी का लेकर निकालेंगे, ये छात्रा बोल रही है। ठीक है, अब रिप्लाई सुन लीजिए अविरल जी, रिप्लाई कीजिए, बहुत सारे टॉपिक उठाया है कमालुद्दीन जी ने और सारे वैलिड है, आपको इसका जवाब देना चाहिए। देखिए बौखलाहट है और ये बौखलाहट इसलिए है क्योंकि ये चुनाव में हारे हैं और ये चुनाव की हार की बौखलाहट को अगर ये मेरी बौखलाहट है तो मैं इस बौखलाहट के लिए अपने अंतिम सांस तक लड़ूंगा, क्योंकि देश के 24 लाख जो बच्चे के भविष्य की बात है। अगर ये भाजपा को बौखलाहट लगता है बच्चे के भविष्य के बात उठाना और पेपर लीक हो जाए उसके बाद से सवाल पूछना, तो शर्म की बात है कि ये भाजपा के मतलब ये छात्र छात्राओं पे और बेरोजगार युवाओं को चिंता नहीं, यही कह रहे ना। जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए कमालुद्दीन जी। अविरल जी ये तो कोई बात नहीं हुआ, अगर नीट परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है तो इसमें हार और जीत की हताशा की क्या बात है, और ये भी नहीं है जी रोहित जी आप कह रहे हैं लीक हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्पष्ट कर दिया लीक नहीं हुआ है, लीक होने की कोई सूचना नहीं है। तो प्रमाण है धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री दरअसल मैं तो मानता हूँ कैसे शिक्षा मंत्री है कि वहाँ सबूत होने के बावजूद बंद कौन बोल रहा हूँ, सबूत होने के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री अगर के ये इस तरह का जो है गिरा हुआ मतलब और बेबुनियाद जो है देते हैं कि पूछ रही हुआ पटना से लेकर जो है गुजरात तक में जो है पेपर लीक का मामला सामने आया, और गुजरात में जो है वहां पे जो है 20 लाख रुपया या ऐसे करके जो है वहां पे जो है शेख भी कबूल नामा भी है, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान भी करे फिर जांच के बुनियाद पर जाता रहे, हम लोग जो है मांग कर रहे सीबीआई जांच की। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है या क्या मंत्री मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, उनको सबसे पहले तो अपना इलाज करवाना चाहिए। अविरल जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आपको, अविरल जी अगर कुछ हुआ ही नहीं है यही सवाल कर रहे हैं तो अपने आप जवाब दे ले, अपने आप जवाब दे लो, अपने आप ही सवाल कर रहे जवाब दे अपना भी ले ले, मेरे सवाल का तो जवाब दीजिएगा कि मेरे भी सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा, वो कूद पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, कोई जवाब सवाल होगा नहीं। अच्छा कोई गड़बड़ नहीं हुआ है तो बिहार से लेकर गुजरात तक अरेस्टिंग क्यों हो रहा है ये बताइए। देखिए लीक हुआ है आप कह रहे हैं, अगर लीक हुआ है तो आपके पास सबूत होगा, और अगर सबूत है तो आप लाइए पब्लिक डोमेन में, दो व्यक्ति आरोप लगा रहा है कि लीक हुआ है उसके पास कोई ना कोई तो सबूत होगा, बिना सरपैर की बात अगर अविरल जी पूरा 2 साल से आप टीवी पे चिल्ला रहे हैं ना कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला किया है, आपके हाथ में कोई सबूत है? नहीं जेल में हमने भेजा है क्या? जेल जाने के पहले भी तो आप इल्जाम लगा रहे थे कि जेल जाने के बाद ही इल्जाम लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जेल भेजा क्या अरविंद केजरीवाल को? कोर्ट ने जेल भेजा को भेजा, जेल कोर्ट भेजती है। ठीक है, तो सेम तर्क के हिसाब से जो 18 लोग अरेस्ट हुए हैं वो मीडिया ने अरेस्ट किया है कि पुलिस ने अरेस्ट किया है? और पुलिस ने अरेस्ट किया है तो बिना तर्क का अरेस्ट किया है, बिना सबूत का अरेस्ट किया है कि हवा में अरेस्ट कर लिया है? आप ही का तर्क ले लेते हैं, मीडिया वाले के पास नहीं है सबूत, लेकिन जिस पुलिस ने अरेस्ट किया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, अभी तक किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि कहीं भी लीक हुआ है, और आप कह रहे हैं लीक हुआ है तो आपके पास सबूत है तो ला दीजिए, ये तो हमारे लिए मददगार साबित होगा। ठीक है ना, मैं मान लिया ना, तो फिर पुलिस किस सबूत के आधार पर अटैक कर रही है? नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप पे आरोप लगाना लीक हुआ है। अरे भाई मैं तो मददगार रहेगा, कैसी बातें कर रहे हैं अविरल जी। अच्छा चलिए आप बोलिए, आपको कोई तरीका होगा? हाँ बोलिए, आपको जो बोलना है बोलिए। चलिए नहीं, अगर आपके पास कोई सबूत है कमालुद्दीन जी को मैं विशेष रूप से कह रहा हूँ आपके माध्यम से,
कमालुद्दीन जी के पास सबूत है तो लाए। दे रहे हैं, वो मोबाइल में दिखा रहे हैं, जो सिर्फ उन्हीं को दिख रहा है। अगर ऐसा सबूत इनके पास है तो जाने पर पापा जा रहे हैं कि आप ये कबूल ना मांगे, लेकिन आप ही क्या कहा है जिस में भूल हो गया था। सुनिए आप, सुनिए, ये कबूलनामा है, ये आप ही के ना जिसे जो आर पक्का में अरेस्टिंग हुआ है, आपको जो सोचनी चाहिए, शर्मानी चाहिए कि मेरा तर्क बैठ जाता है। मैं तो तर्क के साथ बैठा हूँ, ये देख लीजिए आप जी, आप ही के जो मोदी के चहेते जो है, मोदी जी के चहेते चैनल है, आज तक कबूलनामा है जो है पढ़ के सुना दू। गुजरात में जय जल राम परीक्षा केंद्र के लिए 26 छात्रों ने 10-10 लाख दिए, आरोपी का कबूलनामा। दूसरा नंबर पटना में अरेस्टिंग हुआ, 2-13 अरेस्टिंग होते हैं, और उसके बाद से 26 छात्र जो है दिए 10-10 लाख रुपया जो है, उसके बाद से पटना। ये देख लीजिए, ये तस्वीर भी देख लीजिए, रो करता रहे ये छात्रा, ये बैठी है कि मुझे नीट के परीक्षा से जो है भरोसा हो गया है, और पढ़ लीजिए इसे जो है कि नीट घोटाला वाले डॉक्टर बनकर किडनी में से गए, सोचिए कितना भयानक और डरावना जो ये शब्द है। आगे के लिए क्या संकेत देता है कि जब नीमा टीम खतरे जान देता है तो ये गलत कहीं से साबित नहीं होगा। उसके बाद भी आप लोग इस तरह से खिलवाड़ करते हैं, हर मुद्दे पर जो घटना है नीट करने पर तुल जाती है। ठीक है, अब तो बताइए अभिनय जी, अब तो जब सबूत मिल गया आपको, और सबूत चाहिए कांग्रेस से? नहीं, अगर इनके पास सबूत है तो इसमें मदद करें। अरे कॉमेडी शो बिल्कुल नहीं है, ये मजाक नहीं है। अमन जी भाजपा ने जो आपको देश के जो युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया था सर, और हम बात करेंगे 2022 में बताइए कि जो ये नीट परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है, और हर साल ये गड़बड़ी हो रही है, और हर एग्जाम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, क्या इसके लिए कोई लॉ पास करना चाहिए, सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्या है बीजेपी के दिमाग में, क्या एक्शन प्लान एक लाइन में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया, उसके साथ साथ जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता बेहतर आरोप लगा रहे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और अब उसके आगे अगर मैं बोलूंगा तो एक बीच में कूद पड़ेंगे। ठीक है, इतना पेशेंस है इस प्रकार के लोगों को कांग्रेस प्रवक्ता बनाती है कि वो टीवी में जाए और सीखे और चिल्लाए। और ये सर्टिफिकेट आप मुझे मत दे यार, पर तो दे नहीं पाते, जवाब मिल आ रही आ जाते हैं, तो मेरा भी बनाए जाते हैं, पास तो तीनों टिकट से ज्ञान लेके बैठ जाते हैं। कमालुद्दीन जी, लास्ट एक लाइन में जवाब दीजिए कि जब नीट परीक्षा में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक्शन ले चुकी है, सरकार ऑलरेडी एक्शन ले चुका है, तो फिर आपको आपत्ति क्या है? जल्दी से छोटा एकदम एक लाइन। मैं बार बार बोला हूँ कि आखिर बच्चा साल भर जो मेहनत करने के बावजूद जो है एक परीक्षा में बैठा, फिर उसे जो है परीक्षा जो है बार बार लगातार 7 सालों से जिस एग्जाम को आप निकाले, पेपर लीक का जो मामला सामने आता, आखिर इस पर सरकार कब कदम उठाएगी? और ये पिछली बार भी जो धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री है, अभी भी, और ये जो मतलब बयान दिए बेशर्मी की सारी हालत पार कर दिए, कैसा कुछ जो मतलब हुआ ही नहीं है जो सबूत रहने के बावजूद। ठीक है अमन जी, एक लाइन में, एक लाइन में प्रोग्राम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। ठीक है, सीबीआई जांच की ऐसा है, यही कहना है कि अगर जरा सा भी कोई भी त्रुटि हुई है या कुछ भी कार्य में एनी एग्जाम पेपर लीक हुआ है तो इसकी कार्रवाई बिल्कुल, और जो लोग हैं जिन्होंने इस इसको कार्यक्रम को किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और हम लोग भी यही चाहेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो ऐसा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। बीजेपी से अविरल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कांग्रेस से कमालुद्दीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बीजेपी के नेता हैं अमन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।